गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, इसमें रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं और क्या इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रिलेटेड टू टीचिंग वैकेंसी, नॉन टीचिंग वैकेंसी और PhD एडमिशन रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स की इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड करते रहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसका जो PDF है वो हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि किस किस टाइप्स की वैकेंसीज जो है आउट हुई हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो कि महेंद्रगढ़ में है, 17/12 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की 7 जनवरी। तो आपके पास 2 या 3 दिन ही बचे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप देख सकते हो किस टाइप की वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है। कैटेगरी ज़रूर देखना कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में 1 SC की है और 1 PWD की है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग में ST की है 1। डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में PWD 1, OBC की, SC की 1 और EWS की 1। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 1 जर्नल की है PWD में। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस में 1 EWS की है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में ST की 1 है, PWD 1 ST की है। और डिपार्टमेंट ऑफ योगा में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, PWBD की 1। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में OBC की है 1। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में PWD की है 1 अस प्रोफेसर की। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर की है, OBC कैटेगरी में 1। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड BEd एंड MEd में है जर्नल की 1, OBC की 1। और असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं जर्नल में 8 वैकेंसी, SC में 3 वैकेंसी, ST में 2, OBC में 4, EWS में 1 और PWBD में फिजिकल जो 1 जर्नल की है। तो देखो PWD में भी कैटेगरी है, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उनकी कैटेगरी नहीं है, तो उनकी भी कैटेगरी है, आप ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ योगा में असिस्टेंट प्रोफेसर की है 1। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर की, OBC में 1। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 1 SC की है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में OBC की 1। ओ ये तो हो गया था, सॉरी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में आपकी EWS में 1, OBC में 1, जर्नल में 1, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है SC की 1, OBC की 2, EWS की 1। तो ये आपकी जो है कैटेगरी है। शॉर्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम टूरिज्म एंड होटल एंड मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन टू यूनिवर्सिटी रन BEd एंड MEd प्रोग्राम इन स्कूल ऑफ एजुकेशन टू टीच BEd कोर्सेज। तो जो BEd और MEd के लिए निकली हुई हैं वो BEd और MEd कॉलेजेस में आपको जो है टीच करना होगा कोर्सेज के लिए। और जो आपका पे स्केल रहेगा प्रोफेसर का लेवल 14, एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 13A, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग और एसोसिएट प्रोफेसर का 11-10। जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, जो UGC के रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट्स में, नेट या आपके पास नेट क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए कर रहे हो तो नेट की मैंडेटरी नहीं होती है। और अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो PhD ज़रूरी है। द लास्ट डेट है 7 जनवरी, जो कि हमने पहले ही बता दी थी। अप्लीकेशन फ़ीस जनरल की 100, OBC और EWS की 100 है। और अगर आप वुमेन कैटेगरी हो, SC ST या
PWBD हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं होगी और फीस नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद ये फुल PDF है 5 पेजेस का। अगर आप फिल करते हो तो पहले फुल पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद ही फिल करना। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।